क्वेश्चन ये होता है मेरे पास, ये भी एक तरह से इक्वेशन ही है हमारे पास जो दिया हुआ है कि भाई हमारे पास है जो गिवन है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है क्या चेक कर। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन। हमारे पास गिवन क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक हो भाई, ये कौन है म्यूजिकल? अगर आपको म्यूजिक ही सुनना है तो क्लास क्यों कर रहे हो? मुस्तकिल आपका म्यूजिक चल रहा है रमजान में। cos थीटा माइनस साइन थीटा इज रूट टू साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज रूट है। तो इसमें अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो मैं आपके लिए एक स्टेप बचा रहा हूँ। स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू cos थीटा साइन, और राइट साइड जो आएगा वो आएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं कह रहा, अब होगा क्या, आपको चाहिए था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब अगर मुझे, मैंने स्क्वायर किया है तो मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो प्लस में होता है, बस इतनी सा इतना सा फर्क। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा को प्लस कैसे कर सकते हैं, वो राइट साइड ले जाके कर सकते हैं। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में हम करेंगे, हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को जो हमारे पास शुरू में है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टू कॉस थीटा साइन थीटा को हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या करिए, इन तीनों को राइट साइड ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा को भी इधर ले जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा को भी इधर ले जाइए, और टू साइन थीटा कॉस थीटा को भी इधर ले जाइए। तो ये आपके पास प्लस में आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा वन प्लस वन, वन प्लस वन होता है टू, ये टू आ गया इधर प्लस में, और ये जो इधर टू साइन स्क्वायर थीटा था उसको इधर लेफ्ट साइड ले आइए, तो टू माइनस टू साइन स्क्वायर। अब इधर जाके ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, और टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसको प्लस करना। तो आ गया आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास, चाहे इसे आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कहें या आप इसे cos theta plus sin theta का स्क्वायर कहें, दोनों ही बात है। और इधर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 minus sin square theta, वापस 1 minus sin square theta को चेंज कर दीजिए, 1 minus sin square theta cos square theta। तो इधर आएगा होल स्क्वायर, इधर आएगा ये, तो आप इसका अंडर रूट ले लीजिए। अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो इधर आपके पास आएगा अंडर रूट टू कॉस थीटा, और इधर आपके पास आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये है आपका आंसर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस। नोट करिए इसको,